सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की 6 से 7 किस्में होती हैं, ठीक है, जिनमें से आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक भी कह सकते हैं, इज टू एज वाली सबसे पहली किस्म है, ठीक है, टाइप है, इसको आज रीड करेंगे। दूसरे नंबर आपको ये बताते चलूँ कि ये जो टाइप होती है, ये अगर 100 नंबर के एमसीक्यूज़ का पेपर है तो उसमें से 25 से 30 ये लाजमी आती हैं। ये बेसिक भी हैं, सबसे ईजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले देखें कि उसने हमें 2 बॉक्स दिए हैं, ये वाले 2 बॉक्स। सबसे पहले मैं इसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये 2 बॉक्स दिए हैं, उसने जनाब किया क्या है कि उसने इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स बनाया, ठीक है। तो हमें ये पता, यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पर ट्रिक क्या लगाई है, उसने इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स बनाया। अब उसने कहा कि ये ट्रिक आप देख लें, अब उसने ये वाला बॉक्स हमें दिया है, ये बॉक्स उसने दिया है, हमने इस बॉक्स से ये नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई बॉक्स जो है ना बनाना है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले देखें कि ये वाला बॉक्स जो है ना, उसने इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स बनाया, मतलब कि ये बॉक्स बना हुआ है, उसने ये वाला बॉक्स उखाड़ लिया, इधर रख दिया और इसको फिल कर दिया अंदर से। हमने भी ऐसा ही करना है कि इधर से ये जो डब्बे वाला बॉक्स है ये उखाड़ लेना है, जैसा कि उसने किया, ये डब्बे वाला बॉक्स उखाड़ लेना है और इसको फिल कर देना है, ठीक है, अंदर से फिल कर देना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हमने ये वाला बॉक्स जो है ना उखाड़ लिया और अंदर से फिल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इस टू एज कैसे करते हैं, बाकी आसान है, मुश्किल चीज़ इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसको उसने क्या किया कि सबसे पहले जो है ना ये इस तरफ था ऐसे, फिर उसने इसको नीचे की तरफ कर दिया, ये अब इसकी तरफ है, मतलब डायरेक्शन चेंज किया उसने, इस तरफ है, हमने इसको इस तरह ऑपोजिट कर देना है, ठीक है, तो जिस तरह था वही रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला क्वेश्चन है कि ये भी इसी तरह है कि इसके ऊपर एक बॉक्स था, अंदर दायरा था, उसने ऊपर वाला बॉक्स ख़त्म कर दिया, अंदर दायरा जो है ना वो फिल कर दिया। हमने भी ऐसा ही करना है कि ये जो ऊपर बॉक्स है, ऊपर वाला बॉक्स ख़त्म कर देना है और ये जो दायरा है ना उसको बाहर निकाल, ये जो अंदर बॉक्स है उसको बाहर निकालना है, ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर उसने किया गया कि इसको इसके अंदर ऐड कर दिया ये बन गया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया ये बन गया, ठीक है, मतलब कि क्रॉस उसने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। हमने भी ऐसा ही करना है कि इसको इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब प्लस वाला जो है ना, देखें जो प्लस वाला है ना वो ऐड हुआ इसके अंदर, तो हमारे पास ये बन गया प्लस और नीचे ट्रायंगल, और ये इसके गोलदारा स्केयर के अंदर हुआ ऐड, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यार ये आसान है बिल्कुल, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि ये उसने गोलदारे दिए हुए हैं, ठीक है, ये गोलदारे दिए हुए हैं, अंदर एक ट्रायंगल है। आगे उसने क्या किया कि ये जो ऊपर जो स्केयर दिया है या ऊपर जो भी अलामत उसने दी हुई है ना उसको बड़ा कर दिया है, और ये जो ट्रायंगल है इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है, इसको उसने उल्टा कर दिया और ये गोलदारा बड़ा करके उसको फिल कर दिया, इसको खाली कर दिया। हमने भी ऐसे ही करना है इधर कि ये जो है ना ये वाला, इसको अगर ये भरा है तो हमने बड़ा करके इसको खाली कर देना है, ठीक है, ये इसने भरा हुआ है, हमने बड़ा करके इसको खाली कर देना है, और ये जो है हमने इसको उल्टा कर देना है, ये इस तरह हमने इसको कर देना है, इसको फिल कर देना है, ठीक है। अब ये छोटी साइज़ ऊपर की तरफ है, छोटी साइड ऊपर की तरफ है, हमने छोटी साइड नीचे की तरफ कर देनी है, बड़ी साइड ऊपर की तरफ करके ये जो फुल है इसको खाली कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जनाब ये, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, देखेंगे उसने किया क्या कि पहले 4 डॉट 3 डॉट दिए हैं, 3 डॉट को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। हमने भी ऐसा ही करना है कि जो उसने किया है हमने भी ऐसा ही करना है, ये जो है ना डॉट को आपस में मिला देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये क्वेश्चन है, इधर इधर देखें उसने क्या किया जनाब, उधर इसके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर प्लस का निशान है, उसने किया क्या जनाब, बॉक्स का उसने दायरा बना दिया और प्लस वाले निशान जो हैं वो चारों खानों में भर दिए हैं।
ये आ गया। हमने भी ऐसे ही करना है, उसने बॉक्स का दायरा बनाया, हमने भी बॉक्स का दायरा बनाना है और ये प्लस के निशान जो हैं ये इधर चारों खानों में लगा देने हैं, ठीक है। पहले नंबर बॉक्स का दायरा बनाते हैं, बॉक्स का दायरा बन गया, प्लस के निशान सीक्वेंस के हिसाब से लगाने हैं, जिस तरह ये लाइनें लगी हुई हैं ये, ठीक है। ये हमने प्लस के निशान लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्या करना है कि देखें उसने पहले किया है कि इसको ये एक लगा हुआ है, आधा आधा एक निशान लगा हुआ है, इसको उसने उल्टा कर दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक है। पहले इस तरफ था, फिर उसने इस तरफ कर दिया इधर। हमने भी ऐसा करना है, ये इस तरफ है, हमने इसको जस्ट इस तरफ कर देना है, मतलब कि ये इस तरफ है, हमने इसको इस तरफ लगा देना है ऐसे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें उसने किया क्या कि ये एक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, लेकिन ये जो दायरा है ना उसके ऊपर है। हमने क्या आगे उसने क्या किया कि दायरे को उठा के उसने इधर रख दिया, ठीक है। ये देखें दायरा इधर था, दायरे को उठा के उसने इधर रख दिया नोक पर। हमने अब उसने आगे एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन दायरा जो है ना नोक पर है, उसने उधर से उठा के नोक पर रखा था, हमने नोक से उठा के प्लेन जगह पर रख देना है। ये आ गया, नोक से उठाया गया और प्लेन जगह पर रख दिया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये एक है, उसने भरा हुआ एंगल बनाया हुआ है, ये खाली है, उसने इधर भर दिया, अब ये भरा हुआ है, हमने इसको खाली कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक देखें, एक चीज़ जो देखने वाली है कि ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों सेम है ना, ये वाले दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ये दोनों सेम है ना, सेम नहीं है। ये देखें इधर जो है ना, ये छोटा सा देखें, उसने लाइन लगाई हुई है लेकिन इधर लाइन नहीं है, तो ये लाइन ये बंद है, ये इधर से बंद है, ये खाली है, ये भी खाली है, तो हमने खाली वाले को खाली वाले से मिलाना है, ना कि इसको मिलाना है। ये थोड़ी सी गलती होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिक होती है ये थोड़ी सी, कि उसने यहाँ पर देखें भरा हुआ है, यहाँ पर खाली है, तो हमने खाली को खाली से मिलाना है। अगर वो यहाँ पर खाली होता, यहाँ पर भरता, तो यहाँ पर खाली होता, हमने यहाँ पर इधर से भर देना था, लेकिन यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर उसने खाली दिया, तो हमने भी खाली पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह के, तो इसमें उसने देखें क्या किया है कि सबसे पहले उसने यहाँ पर तीन जो है ना, तीन डंडे हैं, एक दो और तीन, तीन डंडे हैं और दो नुक्ते उसने भरे हैं। अब नेक्स्ट उसने चार डंडे कर दिए हैं, ठीक है, चार डंडे कर दिए हैं, दो नुक्ते भरे हैं, मतलब कि एक डंडा उसने बढ़ा दिया है। हमारे पास क्या जी, एक दो तीन चार, चार डंडे हैं, दो नुक्ते हैं, तो हमने भी जहाँ पर उसने एक डंडा बढ़ाया था, हमने भी एक डंडा बढ़ा देना है, तो एक दो तीन चार, चार वाला, और यहाँ से पाँच वाला ढूंढेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो ये पाँच वाला ये है और ये हमारा एक डंडा, ठीक है, और ये भी पाँच वाला है, लेकिन यहाँ पर उसने तीन दायरे भरे हुए हैं, लेकिन हमें दो दायरों वाला चाहिए, ठीक है। ये भी पाँच वाला है लेकिन दो दायरों वाला चाहिए, उसने तीन दायरे भरे हैं। ये भी पाँच वाला है लेकिन ये उसने खाली सारे खाली किए हैं, लेकिन हमें दो दायरों वाला चाहिए और पाँच डंडों वाला चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या किया है कि ये बना हुआ था, ये एक बनी हुई थी, इसको ये जो चीज़ है ना उसने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है। हमने भी ऐसे करना है, ये जो दरमियान में चीज़ है ना इसको रिमूव कर देना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखें, उसमें इसने क्या किया कि ये जो ऊपर चीज़ है ना इसको वो अंदर ले आया है, यहाँ पर ये ऊपर जो है ना उसको अंदर ले आया, ये दरमियान वाला ख़त्म कर दिया। हमने भी यही करना है कि ये दरमियान वाला ख़त्म कर देना है, इसको जो है ना इसके अंदर ले आना है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट उसने किया है वो ये किया है कि जनाब ये वाला ऊपर नीचे, ये जो नीचे दो दायरे हैं, ये जो ऊपर वाला दायरा है ना, मतलब दो दायरे हैं ना, इसके ऊपर वाला जो दायरा है ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और इसके अंदर ले गया, इसको अंदर ले गया, ठीक है। अंदर ले के उसने इसको बॉक्स बना दिया, हम मतलब दायरे का उसने बॉक्स बना दिया, ये वाला दायरा जो है ना ऊपर ले गया। हमने भी ऐसे ही करना है कि ये वाला ख़त्म करके ऊपर ले जाना है, और बॉक्स का उसने बॉक्स दायरे का बॉक्स बनाया था, हमने बॉक्स का दायरा बना देना है, तो इस तरह आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको अंदर ले जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने देखें ये जो हिस्सा उसने भरा हुआ है उसने वो काट लिया और खाली कर दिया, जो हिस्सा भरा हुआ है ना वो काट लिया और खाली कर दिया। हमने भी ऐसे ही करना है, जो हिस्सा भरा हुआ है वो काट देना है
और इसको खाली कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें, ये एक दायरा है, ऊपर प्लस का निशान है। उसने क्या किया कि उस प्लस का निशान जो है ना वो काट दिया, सिंपल दायरा उसने लगा दिया। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ऊपर प्लस का निशान है, हमने प्लस का निशान काट देना है और सिंपल दायरा जो है ना वो इधर, सिंपल बॉक्स इधर आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह है, जो चीज़ भरी हुई है उसको खाली कर देनी है और जो खाली है उसको भर देना है, मतलब ये भरा हुआ है इसको खाली कर देना है और ये खाली है इसको भर देना है और इसको इस तरफ ले आना है दूसरी नुक्कड़ पर, मतलब इसको इस तरफ ले आना है। ठीक है, हमने ये इधर ले आया, हमने ऐसा करना है जो चीज़ भरी हुई है उसको खाली कर देना है, जो खाली है उसको भर देना है, ये खाली है इसको भर देना है और ये जो चीज़ है इसको इधर ले आना है खाली करके, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको इधर ले आना है खाली करके, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह है। सबसे पहले देखेंगे ये जो चीज़ है ना जो भरी हुई है, जो सबसे पहले देखेंगे जो चीज़ उसने भरी है वो खाली कर देनी है, जो खाली है उसे भर देना है। ठीक है, ये जो खाली है उसको भर दिया, जो भरी है उसको खाली कर दी, मतलब कि ये जो है ना उसने ऐसा किया, ये जो ऊपर गोलदार है ना उसको ले आया इसके अंदर और इसी तरह की ये कॉपी जो है ना उसने यहाँ पर लगा दिया भर के। ठीक है, मतलब ये गोलदार जो है ना अपने अंदर ले आया इधर, ये गोलदार आपने अंदर ले आया और अपनी तरह की ये खाली कापी जो है ना ऊपर कर दिया इसने इस तरह। हमने भी ऐसे करना है, ये जो चीज़ है ना ट्रायंगल इसको इसके अंदर ले आना है और भर देना है और इस बॉक्स की तरह कापी हमने ऊपर कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये देखें, उसने तीर दिए हैं, एरो के निशान है, ये एक एरो इस तरफ है, किस तरफ है, किस तरफ है, हमने देखना कि उसने एरो कितने एरोज़ का जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज किया है। तो सबसे पहले देखें, ये जो पहला एरो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ सी, ठीक है, तो अब देखें उसने नेक्स्ट जो है ना उसकी डायरेक्शन इस तरफ कर दी है, पहले इस तरफ थी फिर इस तरफ कर दिया, दूसरे की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तीसरे की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, चौथे की डायरेक्शन भी उसने चेंज कर दिया, पहले इस तरफ थी अब उसने इस तरफ कर दिया। हमने भी ऐसे करना है, मींस के पहले और चौथे की उसने डायरेक्शन चेंज की है, हमने भी ऐसे ही करना है कि पहले और चौथे की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ठीक है, पहले नंबर पर देखें कि जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन हमने इस तरफ कर देनी है, दूसरे एंड वाले की डायरेक्शन भी इस तरफ कर देनी है, मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है कि डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, बाकी दोनों सेम। ठीक है, अब ये देखें, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर देखा, अगर इसको थोड़ा सा आप गौर करें तो, पहले उसने देखें जो एरो चल रहे हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर देखें एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, अब इधर से उसने क्या किया, ये जस्ट उसने जो है ना एरोज़ का जो है ना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तीर जो ये जो लगे हैं ना उनकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये पहले इस तरफ जा रहे थे अब ये इस तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने भी ऐसे ही करना है कि ये जो जा रहा है ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने इसको जनाब एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, ये इस तरफ घुमाया, ये ऊपर वाला इस तरफ घूम गया, लेकिन ये दरमियान वाले को इस तरफ घुमाना है, तो ये इस तरफ, तो हमारे पास ये आंसर सही आ रहा है, ऊपर वाला इस तरफ घूम रहा है, दरमियान वाला इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा ना इसकी वो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसकी वो नहीं सही, डब्बों वाली शेप नहीं सही, तो ये इधर हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसका क्या करना है कि ये सारे जो है ना बने हुए हैं, लेकिन एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो है ना इसकी ये वाली नुकरें जो है ना ये खाली हैं। ठीक है, इधर से खाली हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो उसने दूसरी तरफ बनाया है, इस ड्रू से दूसरी तरफ दूसरी उसने एंगल बनाई है, वहाँ पर ये चीज़ें उसने मतलब के अटैच कर दी हैं एक दूसरे के साथ। हमने भी ऐसे ही करना है कि हमारे पास ये खाली है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ खाली है, तो हमने इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, तो सिंपली अटैच करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, लेकिन ये है कि ये बॉक्स के जो है ना साइज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, ये साइज़ छोटा है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसके अंदर उसने इसको नहीं भरा, ये इसको भरा है, लेकिन ये उसने दो ये नहीं अटैच की है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बॉक्स के साइज़ का हिसाब रखना है। अब ये